नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के जरिए बताने जा रही हूँ आपको कि आप नाम के अनुसार जान सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। प्यारे दोस्तों, अविवाहित बच्चों के मन में ये ख्याल अक्सर आते हैं कि उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। आज मैं अपने वीडियो के जरिए आपकी इसी कसमकस को दूर करने के लिए कुछ बातें आपको बताने जा रही हूँ, जिनको मान करके जान करके आपकी ये शंका दूर हो सकती है। दोस्तों, जिंदगी बहुत कुछ पर आधारित होती है और कई चीज़ों का प्रभाव हमारी जीवन शैली पर इतना होता है कि वह हमारे भाग्य को बदल कर रख देता है। आज की इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि नाम के अनुसार आप जान सकते हैं कि आपकी शादी कैसी होगी। दोस्तों, ये नाम वाले लोग, आपके अंदर पढ़ाई के मामले में काफ़ी अच्छी योग्यता होती है। गणेश जी आपके लिए सलाह देते हैं कि आपको आध्यात्मिक चीज़ें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि यही आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। अक्षर ग्रहों में आपकी ऐसी योग क्रिया बनती नजर आ रही है कि आपकी अरेंज मैरिज ही होती है। बी नाम वाले लोग, आपकी जिंदगी में प्रेम विवाह थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि शुक्र और मंगल का योग आप में अच्छा नहीं बनता। आपको दोस्तों का पूर्ण सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। प्रेम प्रसंग के मामले में विवाह से पहले आपके योग अच्छे होते हैं, लेकिन आपका रिश्ता अंत तक साथ नहीं दे पाता। डी नाम वाले लोग, सरकारी मामलों में आपके सितारे बहुत भाग्यशाली होते हैं, जिसके कारण नौकरी जल्द ही लग जाती है और इसी का लाभ आपको काफ़ी हद तक मिलता है। अक्सर इस नाम के लोग अपने प्यार को पाने में सफलता भी हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं और किसी हद तक उन्हें इसमें सफलता भी प्राप्त होती है। जी नाम वाले लोग, दोस्तों यह जातक अपने मामले में बहुत सारी गड़बड़ियां करते हैं। गलत कामों में इनकी रुचि सबसे पहले नंबर वन पर होती है। प्रेम प्रसंग में एक से ज़्यादा इनकी अक्सर तालमेल देखा जाता है। ये एक रिश्ते को कभी भी कायम नहीं रख पाते, इनके एक से ज़्यादा रिश्ते ही नज़र आते हैं, इसलिए इनके लिए दोनों भाग में बराबर उम्मीदें बनी रहती है। के नाम वाले लोग, आप इन्हें भी मध्यवर्गीय कह सकते हैं, क्योंकि कभी इनका दिमाग अपने कैरियर को लेकर चिंता में रहता है तो कभी प्यार में, और कई बार इनकी कुंडली में ऐसा योग आता है कि खुद को यह नहीं समझ पाते कि कौन अच्छा है और कौन इनके लिए बुरा साबित हो सकता है। फिर भी ज़्यादा उम्मीदें इनके लिए लव मैरिज की होती है, परंतु अरेंज मैरिज के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, एक वीडियो के जरिए हम सभी नामों के बारे में आपसे बात नहीं कर सकते, इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको अगर अपने नाम के बारे में जानना है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।